लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है। हमारे तो जगराता हम करवाते हैं, तो हिंदू तो कम नजर आते हैं, मुसलमान ज्यादा कहने को तो उस काम में लगे रहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? पाकिस्तान करवा रहा है, चीन करवा रहा है, या डोनेशन खाने वाले करवा रहे हैं? बाकी जो गरीब मजदूर है वो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ही नहीं। पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊंगा कि बुलडोजर कहाँ चला कहाँ नहीं चला। लेकिन मेरे साथ आज हैं 1976 से जहांगीरपुरी में रहते हैं उमाशंकर मिश्रा जी, वो बताएंगे हकीकत, बताएंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग, बताएंगे कि मामला क्या था, क्या कैसे मामला को रंग दिया गया धर्म के रूप में, बुलडोजर के रूप में। उमाशंकर जी, आपको मेरा आपका मेरा चैनल में स्वागत है। क्या हुआ था, कैसे ये ऐसे मतलब पूरा माहौल बिगड़ गया जहांगीरपुरी का? यहाँ का माहौल तो जो है ना, मैं उस समय घर पर था, लेकिन जो यहाँ के पता जो लगा है कि रैली निकल चुकी थी, उसके बाद पता नहीं जो है ना, बाहर के जो यहाँ के आदमी है, यहाँ का एक भी आदमी नहीं था। जो हम आपस के यहाँ पर मजदूर हैं, यहाँ कभी भी कोई भी हिंदू मुस्लिम कभी भी नहीं हुआ। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 1976 से रह रहा हूँ यहाँ पर, मेरा अपना मकान है और मैं 1977 से ऑटो चलाता हूँ। तो 1977 से लेकर के 1976 से लेकर के 2022 के बीच में क्या इस तरह का माहौल बना था क्या? इस तरीके का माहौल कभी भी नहीं बना, और जैसे जैसे ये समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे जो है ना हिसाब जो है ना बदलता चला जा रहा है। कौन करवा रहा है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कभी कोई नहीं, एक ही साथ ही रहते हैं, और यहाँ पर संख्या ज़्यादा ही है मुसलमान की, लेकिन हमने तो आज तक हिंदू मुसलमान देखा ही नहीं कि कभी हिंदू मुस्लिम पर झगड़ा हुआ हो। लेकिन ये किसने करवाया, क्या करवाया, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये खबर मैंने देखी, वो देखा, बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे तो जगराता हम करवाते हैं, तो हिंदू तो कम नज़र आते हैं, मुसलमान ज़्यादा कहने को तो उस काम में लगे रहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया है? और जितना पीछे जाओ उतना कहने का मतलब हिंदुओं में प्यार था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, ये कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है, चीन करवा रहा है, या डोनेशन खाने वाले करवा रहे हैं? बाकी जो गरीब मजदूर है वो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल ही नहीं है। तो ये आपने डोनेशन की बात की, डोनेशन खाने, ये डोनेशन क्या हुआ, क्या डोनेशन क्या होता है? चीन एक है, पाकिस्तान एक है, और शुरू से जो ये चला आ रहा है, हैं यहाँ वहाँ जो कहने का मतलब जो सुनाई देता है, NRC बनारसी ये वो, और वही NRC जब ख़त्म हुई कोरोना के कारण, तो वो जाके जो है ना उसमें मिल गया जो है ना किसान रैली में, ये सब तो जो है ना कहने को तो बार बार दिखाते हैं, इनको एक क्यों नहीं किया जाता, इसमें निकालो तो निचोड़ निकलेगा कि क्या है, वहाँ से निचोड़ निकलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं हनुमान जयंती 16 हनुमान जयंती का हर एक का एक दूसरे से लिंक है। हनुमान जयंती खाली अकेली नहीं है, हनुमान जयंती तो एक बहाना आ जाता है, एक बीच वाले को जो कहने का मतलब है दंगा करवाने वाले, उनको एक आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम। अच्छा, ऐसा है कि उस दिन जो झड़प हुआ और जो अंसार और कोई चिकनिया क्या नाम है अंसार है, दो तीन लड़के जो अरेस्ट हुए, पुलिस जो अरेस्ट किए, ये लोग कब से रह रहे थे यहाँ पे? ये काफ़ी दिन से रह रहे हैं, लेकिन इनमें मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, ये भी हमारे जगराते वगैरह में आती है, इनको कभी मैंने आप उनको जानते थे? नहीं जी, नाम जरूर सुना था, लेकिन हमारा कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि मैं अलग क्वालिटी का, मैं एक ब्राह्मण हिसाब किताब का आदमी हूँ, ना मैं गांजा पीता हूँ, हाँ ना मैं पूरा होने दीजिए सर, ना गांजा पीता हूँ ना दारू पीता हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा तो सबसे राम राम, कबीरा खड़ा बाजार में ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर है, जिसको जो देख लिया वो जानता हूँ, बाकी मैं कभी किसी से मदद नहीं लेता, यहाँ तक कि सरकार से मदद नहीं ली, मेरा 65 साल की उम्र है और आज तक मेरी पेंशन नहीं है, 50-50 साल वालों की पेंशन है, तो मैं तो एक अलग क्वालिटी का इंसान हूँ, मैं जो है ना दुनिया में अलग सोच में, जो किताबों में लिखा है उस सोच का आदमी हूँ, मैं इसमें नहीं आता कि ये फ्री का खिला रहा है, वो फ्री का खिला रहा है, फ्री का मोदी जब से केजरीवाल आया है, ये फ्री के धंधे से और आम आदमी सरकार से ये फैलता चला जा रहा है, ये सारा काम केजरीवाल का करवाया हुआ है। अच्छा, मीडिया में ये भी खबर चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब से पानी बिजली बस फ्री किए हैं, तो लोगों के पास समय है और पैसे भी हैं, उसका लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्पसंख्यक लोग। केजरीवाल जब से आया है तो पुलिस वालों से, पुलिस के बिना कभी भी कोई भी राजा मर्यादा नहीं चल सका, और पुलिस वालों से डायरेक्ट दुश्मनी लिया, उसकी नौकरी हटाना, ये करना, वो करना, तो पुलिस वालों का जो अफसर होता है माँ बाप की तरह होता है, उसने कहा भैया मत करो, अगर झूठा भी आरोप लगा दिया तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, पुलिस ने काम करना काफ़ी बंद कर दिया और बोला भैया तू कुछ भी करो,
दो चार पैसे हमें दे सकते हो तो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो बाहर में जाओ। और आम आदमी इसने ऐसा नाम रखा आम आदमी पार्टी। अब इस समय छोटा भी है बड़ा भी है, हर आदमी अपनों को सरकार समझ के और उल्टा सीधा किए चला जा रहा है और कोई बोलने वाला है ही नहीं है। पुलिस का काम था बोलना हो पुलिस। अच्छा, कुछ ऐसे घटना हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दंगे की बात कर रहे हैं, यहाँ जब हम देख रहे हैं तो एक ऐसा जगह है, कभी भी हम देखते हैं तो या तो जो कौम होते हैं मुस्लिम तो उसकी एक लाइन अलग होती है, उसके मकान एक अलग होता है, हिंदू का अलग होता है, लेकिन यहाँ जो मकान है दो घर मुस्लिम दो घर हिंदू है। कुछ ऐसा बता सकते हैं कि हिंदू के पर्व में मुस्लिम का शामिल होना और मुस्लिम का पर्व में हिंदू का शामिल होना, आप लोग इस तरह की सहभागिता करते हैं? अगर ऐसा सहायता नहीं होती तो मार काट और कहने का मतलब न जाने कितने मर्डर नहीं हो जाते। अगर हम एक होकर नहीं रहते तो कैसे, या तो वो भाग जाते या तो हम भाग जाते। वो मकान इतने दिन तक अस्थाई कैसे रहता, और अगर अस्थाई रहता तो उसमें महीना दो महीना चार महीना छः महीने में कत्ल दिखाई देता। ये तो एक के जो है ना पागल से पागल को समझना चाहिए। तो ये इतनी पढ़ी लिखी सरकार, इतना सुप्रीम कोर्ट ओपन टू का पागल है क्या ये कि वहाँ पर कभी भी एक आपस में आपस के घर में छुरी नहीं चलती। तो जो है ना वो एक नहीं है तो क्या अलग अलग है, जबकि भाई भाइयों में छुरी चल जाती है, लेकिन हम भाई से भी बढ़ के रहती है। ये सिर्फ जो है ना सोच जो सन 47 की है ना वो सोच वाली कयामत है। बस समझने वाला समझ जाए, तो नहीं समझता भाड़ में जाए। नहीं, ये समझा दीजिए आप 47 वाली सोच जो है इसको क्लियर कीजिए। बहुत लोग अभी बुद्धिजीवी नहीं है आपके जैसे। बुद्धिजीव क्या, ये क्लियर कीजिए 47 वाली सोच क्या क्लियर है? क्लियर सोच क्या, गूगल उठा के देखो। मोतीलाल का बाप जब कहने का मतलब वो मोमडन था तो वो हिंदी कहाँ से आया, और अगर वो हिंदू आया तो चलो कोई बात नहीं, मान लीजिए कि बन गए हिंदू का काम। उसके बाद जो है ना इंदिरा गांधी क्यों कहने का फिरोज खान का नाम बदली करवाया है, उसको फिरोज खान से फारसी से शादी क्यों नहीं की डायरेक्ट, राजगद्दी बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ का ला है। यहाँ पर जो है ना राष्ट्रपति तो बन जाएगा मोमडन लेकिन मुस्लिम नहीं बनेगा तो क्या है। कई बार पीछे भी खबरें आई है कि मेरी भाभी ही तो राज कर रही है, भैया जो राज कर रहा है, ये है स्पष्ट है। और इससे ज़्यादा मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ और ऑटो चलाने वाला आदमी हूँ, 54 साल से मजदूरी कर रहा हूँ किसी के बिना मदद के बिना किसी के, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इससे जो पढ़े लिखे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वहाँ बैठे हो, तुम्हारा सबका काम है जानना जो पढ़ लिख के जो होना वो हो। अच्छा, ये अंसार के बारे में बताइए कि अंसार घटना से पहले वो किस स्वभाव का आदमी था, कैसा था, वो किस विचार का था? जी ये, तो ये संसार बदलता है, कोई ना तो इस दुनिया के अंदर गलत है ना कोई सही है। सही तो मैं राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी को भी नहीं समझता है? अगर राष्ट्रपिता सही होता महात्मा गांधी तो नाथूराम गोड उसको क्यों मारता? सही को कभी वो ईश्वर सजा नहीं देता, ईश्वर से बढ़ के कोई होता नहीं, हर आदमी को अपने कर्मों की सजा मिलती है। मैं तो कहूँगा कि राष्ट्रपिता ही हमारा सही नहीं था जिसका नाम महात्मा गांधी है। देश में आज़ादी कितना करो, देश को आज़ाद करा दिए थे। देश को आज़ाद तो तत्या टोपे आज़ाद भक्त उधम सिंह इन्होंने करवाया। वो तो सिर्फ बकरियों को दूध पिलाना और मैं कुछ खाता ही नहीं, बकरियों को मेवा खिलाना और नाथूराम गोड की बहन का नाम जपना। चले हम लोग बहुत पीछे पीछे से ही तो सारी कुछ शुरुआत है। संसार तो पहले से ही बसा हुआ है, कोई आज नहीं शुरू हुआ है, आज नहीं शुरू हुआ है। पीछे जाओगे तभी सही हिसाब पता चलेगा, पीछे नहीं जाओ आगे आगे। छोटी बीमारी को ठीक मत करो, बड़ी बीमारी हो जाए तो उसके पीछे लट्ठे लेके भागो। छोटी बीमारी को ही अगर थाम लिया जाए तो बड़ी बीमारी पैदा होगी नहीं। और अगर सच्चाई दिखाना है तो जाके जो ये सफाई 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 के अभियान दुनिया भर का, मोदी भी और ये केजरीवाल भी दुनिया, यही नाले पर जाओ, कीड़े और कोरोना फैल रहा है, यहाँ के जाके नाले की तस्वीर लो। हम मुझ गरीब से क्या पूछ रहे हो, भूखे नंगे से जाके खुद देखो अपनी आँखों से, नाले में बदबू है और वहीं पर स्कूल है, नाले भरे पड़े। नाले के अंदर एक बार का किसी भी रिपोर्टर ने किसी ने दिखाने की कोशिश करी है ना, ऊपर से काहे को गंदगी में जाओगे है, काहे को किसी के गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे, क्योंकि तुम्हारा एक चैनल बंद हो जाएगा। कोई ना कोई तो है, या तो मोदी है और या तो फिर ये जो ना केजरीवाल है, तो तुम्हें तो ऊपर से चाहिए बस।
डंडा का डंडा बचा रहे और सांप भी मर जाए। सच्चाई पे जाओ, सच भगवान का नाम, खुदा का नाम दुनिया लेती लेकिन उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलती। उसका नाम लेना इतना ज़रूरी नहीं है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना ज़रूरी है। और वो कहता है सच बोलो, और सच बहुत कड़वा है, सच से एक भी इंसान एक दिन भी नहीं जी सकता, या तो वो मार दिया जाएगा या तो मर जाएगा। बस इसके ज़्यादा अब और मेरे अंदर शक्ति नहीं है बूढ़े आदमी के बोलने की। ठीक है, थैंक यू आपको। एक चीज़ आप बता दीजिए कि जब शादी ब्याह होती है यहाँ पे तो आप लोग शिरकत करते थे एक दूसरे में? अरे भाई पता नहीं कितने में कार्ड ला के दिखाऊं। अच्छा, कार्ड दिखाएंगे? हाँ, पता नहीं कितने कार्ड हैं। हर हिंदू मुस्लिम में शामिल होते हैं, होते हैं, होते हैं। ठीक है, तो हम ब्राह्मण हैं, हम मोमडनों की शादी में भी जाते हैं, बाल्मीकियों के समाज की शादी में भी जाते हैं। अभी हमारे जो है ड्राइवर की समाज में शादी थी, मैं वहाँ पर भी गया था। ज़रूरी नहीं है कि मैं उनका खान पान करूँ, लेकिन वहाँ जाना अवश्य होता है, ऐसी बात नहीं है। और जाती है दुनिया, अगर अलग होते तो आज मैं ऑटो चलाता हूँ, क्या मैं हिंदू हिंदू के भी ढालता हूँ? हैं, क्या कहीं मुझे जाना होता तो क्या मैं दुकान वगैरह या कोई चीज़ तो क्या मैं ढूंढता हूँ कि हिंदू मिले तो करवाऊँ? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये भेदभाव पलवाने वाले एक अलग तत्व हैं, हम गरीब लोग नहीं हैं, जिससे उसका या तो कुर्सी मिलेगी या उसका शोहरत बढ़ेगी, वो है इन काम को करने वाले। उनको देखो, उनको घेरो, उनको ढूंढो, बाकी करते वो हैं, रोटी रोजी हमारी चली जाती है। तो ये थे उमा शंकर जी, जो आपको बताया यहाँ के ग्राउंड रिपोर्टिंग जो फैक्ट है। मीडिया में खबर कुछ और चलती है, पॉलिटिकल पार्टी इसे इस जगह को अपना तीर्थ स्थल बना लिए हैं, राजनीतिक स्थल बना लिए हैं आने वाले चुनाव के भविष्य को, वोट बैंक के लिए। लेकिन ग्राउंड पर आप जब जाएंगे तो रिपोर्ट आपको कुछ और दिखेगा, क्योंकि जब हिंदू मुस्लिम एक जगह रहते हैं, एक जगह शादी विवाह सब में शिरकत करते हैं, तो इतना बड़ा बवाल कैसे हो सकता है, इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया। मैं शंभू कुमार, लाइव न्यूज़, जहांगीरपुरी, नई दिल्ली। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।